क्या आप लोगों को पता है कि कोविड पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया गया था? तो वो जो प्रेडिक्शन किया था वो वाला गाना ये है, अभी अभी मुझे मिला, ये 2013 में ये आया था। ओ भाई, सब कुछ प्रेडिक्ट कर लिए इसने, पर क्या सच्ची में इसने प्रेडिक्ट किया है? क्योंकि आज जो हम लोग चीज करने वाले हैं वो है सिम्पसन्स। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी बताई है जो फ्यूचर में हुई है एक्चुअली में, लाइक डोनाल्ड ट्रम्प का बताया कि डोनाल्ड ट्रम्प बनने वाला है और बना वो President, the Simpsons predicted what about India in 2024. ये वाली वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। यार क्या 2024 में ही हम सबका इंटरनेट खत्म होने वाला है क्या? 24 में इंटरनेट खत्म होने वाला है, मतलब YouTube, bye bye। 2024 में World War 3 होने वाला है। World War 3 भी होने वाला है 24 में, bye bye। हमको भी bye bye। और क्या क्या होने वाला है? सिम्पसन्स वालों ने इंडिया पर क्या सिम्पसन्स वालों ने ओके प्रेडिक्शन किया है सिम्पसन्स वालों ने इंडिया के ऊपर, मतलब सोच रहे हो? तो ने के चांसेस काफी ही ज्यादा हैं। तो यार देखो, अगर प्रेडिक्शंस की बात की जाए तो आपके मॉडर्न जमाने में लोग किसी बाबा के पास नहीं बल्कि इस कार्टून वाले बाबा के पास आते हैं। बाबा के पास नहीं जाते आजकल लोग, आजकल लोग सिम्पसन्स के पास जाते हैं, ये मुझे अभी पता लगा। सच हो रही है। तो यार अब जब 2024 स्टार्ट हो ही गया है तो क्यों ना इनके कुछ ऐसे फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में हम जान लेते हैं जो 2024 में सच होते दिख रहे हैं। में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एआई के वजह से, यानी कि रोबोट के वजह से होमर सिम्पसन का जॉब चला जाता है और वह इसमें जो व्यू पॉइंट दिखाया जाता है। भाई आप लोगों में से बताना कि कौन कौन एक्चुअली में देखे हैं सिम्पसन्स, इनफैक्ट अगर नहीं भी देखे हो तो भी बताना आपके, यानी कि 2023-24 से काफी ज्यादा मिलता जुलता था। और यार ये तो आपको पता भाई एआई, भाई एआई दुनिया ले जाएगा, मैं कह रहा हूँ। एंडिंग से ही एआई टूल्स कितनी ज्यादा पॉपुलर बन चुके हैं, पहले चैट जीपीटी तो भाई सबसे मेन हो गया आजकल। 24 में एआई और भी ज्यादा पॉपुलर होने वाला है, और भी ज्यादा होने वाला है, बहुत पॉपुलर होने वाला है। हर इस प्रेडिक्शन के सच होने के चांसेस काफी ही ज्यादा हैं, और वैसे बहुत ज्यादा है एक्चुअली भाई। भाई एक्चुअली भाई बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है एआई से, लेकिन भाई जो एआई का यूज करेगा वही आगे सर्वाइव कर पाएगा। सोना स्टार्ट हो चुका है, खास करके फोटो एडिटिंग जैसे क्रिएटिव फील्ड्स में भी। तेरा क्या होगा? एक्चुअली फोटो एडिटर, वीडियो एडिटर, यूट्यूबर्स सबकी नौकरी खाने वाला ये एआई, पता दिखाएगा कि नहीं खाएगा। सुपर सोलर स्टॉर्म्स को लेकर हमें चिताया है, ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, चीजें काम करना ही बंद कर देंगी और ये लिटरली हमारे इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। 2013 को रिलीज हुए सीजन 24 के एपिसोड 9 का आप जरा ये सीन देखो। भाई मुझे नहीं पता। वेट भाई, आप लोगों ने ये देखा क्या? रुको रुको रुको, ये देखो, ये ना ये बंदा, ये अपना दाढ़ी काटता था, रुको रुको देखते रहो, दाढ़ी काटता था ये बंदा, देखो मशीन से काट रहा है और फिर उसके बाद भाई ये क्या यूज कर रहा है दाढ़ी काटने के लिए? भाई मुझे लाइट चली गई, मतलब लाइट स्वाहा हो गई। मुझे नहीं पता है कि ये सच होने वाला है या फिर नहीं, बट अगर हुआ तो लिटरली हमें 2024 में फिर से कबूतरों की जरूरत पड़ने वाली है। एक्चुअली हीरो सिम्पसन्स के 2015 में आए एक एपिसोड में होमर बस कुछ सेकंड्स के लिए एक साइन के बाजू से गुजरता है और उस साइन पर लिखा होता है ट्रम्प 2024, मानो ऐसा कुछ बता रहा है। भाई ये अब तक ट्रू नहीं हुआ है, अगर ये हो गया तो भाई आप लोग मुझे तब भी बता दा कि हु इज देयर इन 2025 या फिर जो भी है, क्योंकि अब तक डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन जीता नहीं है। 2024 में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, भाई अगर ये जीत गया तो भाई ये प्रेडिक्शन एकदम सही हो जाएगी सिम्पसन्स की, बन सकते हैं। और भाई कमाल की बात तो ये है कि ट्रम्प ने ऑलरेडी 2024 के इलेक्शन के लिए फॉर्म तैयार कर लिया है और अभी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है यानी कि जो बाइडेन, उनके प्रेसिडेंसी से लोग खुश नहीं है। अब अगर मतलब ये रियल हो सकता है ऐसा ये बंदा कहना चाह रहा है, उनके खिलाफ आपको कई सारे कंप्लेंट्स मिल जाएंगे जिसकी वजह से उनके इस बार जीतने के चांसेस काफी कम है। तो ट्रम्प यहाँ पर सच में जीत सकते हैं, भाई ट्रम्प भाई आ जाएंगे, वो भी हो सकती है। ये क्या था भाई, पर सही था। होगा तो यार ये वाली प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा क्रेज़ी और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यार वो 1987 के एक एपिसोड में लिटरली होमर सिम्पसन ने अपने फैमिली के साथ प्रैंक किया था और बताया था कि वर्ल्ड वॉर 3 2024 में होने वाला है। वर्ल्ड वॉर 3 2024 में होने वाला है, युद्ध की तैयारी कर लो दोस्तों, अपने हथियार निकाल लो दोस्तों। क्या मैं कह रहा हूँ मुझे भी नहीं पता भाई, ये लाइक हिंट भी नहीं बल्कि सीधा ऐसा ही युद्ध करना अच्छी बात नहीं है दोस्तों।
बताया था कि वर्ल्ड वॉर 3 2024 में होने वाला है भाई। ये लाइक हिंट भी नहीं बल्कि सीधा ऐसा ही बताया गया था। और भाई अगर देखा जाए तो पिछले 50-100 सालों में दुनिया अभी सबसे ज्यादा करीब है वर्ल्ड वॉर 3 के। भाई कई कंट्रीज तो ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं और कुछ मेजर कंट्रीज भी हैं जैसे कि रशिया। भाई ऑब्वियसली मुझे पता है ये चीज, मैं इतना तो न्यूज़ देखता हूँ। और भाई यहाँ भी बात खत्म नहीं होती और भी कई कंट्रीज की। बट भाई इसने वर्ल्ड वॉर 3 की प्रेडिक्शन की है 2024 में, तो भाई अगर कुछ ऐसा हुआ तो भाई पहले तो भाई न्यूक्लियर बम फटेंगे पूरे दुनिया में और खत्म दुनिया। रिस्क सिचुएशन चल रही है। और भाई अगर प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं तो काफी तो इसके लिए भाई मैं चाहता हूँ कि नहीं हो। और भी कई कंट्रीज के बीच काफी रिस्क सिचुएशन चल रही है। और भाई अगर प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं तो काफी पॉपुलर हुई भविष्य मलिका में भी यही लिखा है कि 2024 में काफी बड़ी लड़ाई होने वाली है। ओ भाई भाई अगर ये सही हुआ ना तो मतलब भाई एकदम मम्बलास्ट हो जाएगा। कलयुग घोर कलयुग टेकिंग ओवर मार्स। यार सिंपसंस के कैरेक्टर्स बताती है कि कैसे गवर्नमेंट लोगों से साइन करवा रही है मार्स पर जाने के लिए। और रियल वर्ल्ड में भी 2024 में कई सारे मार्स मिशन हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। भाई कई मार्स मिशन भाई मार्स पर जाएंगे, चाहे वो मार्स पर सैटेलाइट भेजने की बात हो या फिर इंसानों की भेजने की। नासा ने तो 2025 के स्टार्टिंग तक एस्ट्रॉइड पर लैंड करने की बात भी की है। इलॉन मस्क ने तो अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि 2024-25 तक मार्स तक जाने के लिए उनकी कंपनी भी। भाई इलॉन मस्क तो भाई पहुंच जाएगा मार्स में, स्पेशल रॉकेट्स बना रही है जो कि भाई ये बताने के लिए काफी है कि इस साल काफी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल मार्स पर जाने की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। ओ भाई मार्स पे भाई घर होगा मेरा मार्स में। सोचो मार्स में रह रहे हो आप, मार्स में फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात हो रही हो तो भला हम इसे कैसे मिस कर सकते हैं। डोंट टेल मी कि भाई ये भी प्रेसिडेंट 2024 में ही बनने वाली है, सब चीज 2024 में ही होने वाला है। हीरो सिंसंस के बैक टू द फ्यूचर एपिसोड में लिसा को फर्स्ट यूएस फीमेल प्रेसिडेंट बनते हुए दिखाया जाता है। कौन से साल वक्त में यूएस पॉलिटिक्स में कमला हैरिस के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देखकर लोग कह रहे हैं कि यही 2024 में फर्स्ट भाई 2024 में तो नहीं होने वाला है ना, वरना ट्रंप का भाई फेल हो जाएगा सिंसंस का यूएस प्रेसिडेंट बनेंगी। और यार यहां सबसे सरप्राइजिंग बात किन के कपड़े लिसा के प्रेसिडेंट के कपड़े से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। सरप्राइजिंग से ज्यादा तो कॉन्ट्राडिक्ट भाई ये भाई इसका सिम्पसंस का जो है ना वो फ्यूचर से है, मतलब यहाँ वाले कोई है जो जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है। तो ये है कि सिम्पसंस के दो प्रेडिक्शन आपस में ही टकरा रहे हैं। वही एक्चुअली होगा कि कौन सा प्रेडिक्शन सच होता है या फिर भाई दोनों ही फेल हो जाते हैं। मैं यही कह रहा था भाई दोनों ही फेल भी हो सकते हैं, दोनों भी पास भी हो सकते हैं। दोनों भी पास कैसे होंगे वो नहीं पता, क्योंकि प्रेजेंट अगर ट्रंप बना तो भाई ये नहीं बन पाएगी। आप लोग मुझे कमेंट में बताना। बेबी ट्रांसलेटर, बेबी ट्रांसलेटर थर्ड सीजन के एपिसोड 24 में हम एक बेबी ट्रांसलेटर को दिखाया जाता है। बेबी का ट्रांसलेटर भी है, वाओ, जो कि बच्चों के बोले गए गिब्रिश को ट्रांसलेट कर देती है और हमें बताती है कि वो बच्चे क्या कहना चाहते हैं। अभी यार देखो जॉन ड्रीम नाम की एक स्विस कंपनी भी है जो कि रियल वर्ल्ड में यही करना चाहती है। इन्होंने लेट 2023 में एक मशीन भी बनाई है और अब उसकी टेस्टिंग और डेवलपमेंट चल रही है। डेवलपमेंट को देखकर 2024 में बच्चों की बातें हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं बच्चे, रिलीज किया जा सकता है। फिर भाई मोस्ट ऑफ द पार्ट के लिए तो ये बस एक फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। भाई मतलब बच्चों की बातें जान के क्या करोगे, वो थोड़े बड़े हो जाते तो बेचारों को अभी अभी बोल भाई अभी नहीं बोल रहे तो भाई अच्छी बात है, बाद में तो बोल रही है पूरी जिंदगी। एप्लीकेबल होती है भाई कुछ पता हो या फिर ना हो, बट हमारे कई सूत्रों के हिसाब से तो ये पता चला है ये मशीन सूत्रों ज्यादा महंगी होने वाली है। सूत्रों भाई के पास सूत्र है, व्हाट द फैक्ट भाई, लव यू भाई, बट आपके पास सूत्र है भाई, वो मेरे पास नहीं है। और यार रियल बात तो ये है कि भाई अगर ये मशीन 70% भी एक्यूरेट काम करती है फिर बच्चों के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। जो कि लगभग हर साल प्रिडिक्ट होती है, शायद ये प्रिडिक्शन 2024 में ट्रू हो जाए और फाइनली 2024 में जॉम्बीज घूम रहे हैं। जब जॉम्बी अपोकलिप्स होगा, वैसे यार अगर सिम्पसन्स के एपिसोड की बात करें तो उसमें एक फास्ट फूड चेन से ये जॉम्बी वायरस फैला था और ये पूरे ही स्प्रिंगफील्ड में फैल चुका था। वैसे अगर ये सच में होगा तो मैं तो भाई गेम खेल खेल कर इससे रेडी हो चुका हूँ लड़ने के लिए। भाई आज भाई भाई कॉकरोच भाई कहाँ भागो। व्हाट भाई अगर आपने व्हाट द फैक्ट की ये वाली सिम्पसन्स की वीडियो को देखा है तो आपको ये तो पता ही होगा तो कि सिम्पसन्स के एपिसोड में हमें ये एक बूढ़ा कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि ये जोक मारता है कि इंडिया पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। व्हाट ओके
और उसके बाद बोलता है कि शायद मैंने ये बहुत पहले ही बोल दिया, जो कि भाई कहने कहीं एक तरीके का ये गेस या फिर प्रेडिक्शन है कि इंडिया फ्यूचर में पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। भाई फॉर्चुनेटली शायद ये 2024 में हो, क्योंकि अभी हाल ही के सालों में इंडिया और पाकिस्तान के उतने भी बुरे रिश्ते नहीं है जितना रशिया यूक्रेन या फिर इजराइल या पैलेस्टाइन का हो। वैसे यार अगर आपको सिम्पसन्स के प्रेडिक्शन के बारे में और भी ज्यादा डिटेल से जानना हो तो आप हमारी ये वाली वीडियो को देख सकते हो। भाई ये वाली वीडियो मैंने नहीं देखी, मैं सीधे इस पे आया। वीडियो के लास्ट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो यार अब इतने प्रेडिक्शंस के बाद मीम्स तो बनते हैं ना। मीम्स भाई मीम्स देखने वाले हैं। विनिंग वन कस्टम गेम, तो मेरे को वन वर्सेस कस्टम में रहेगा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रोल नंबर भाई बंदा रैप कर रहा है, बंदा रैप कर रहा है। POV, you are trying to finish 20 chapters 2 minutes before exam. Oh, ये भाई ये मैंने किया। कौन कौन किया बता दा। सब याद होते हैं भाई, सब याद होते हैं। सिर्फ ऐसा ही चाहते हैं। कम से कम 2 महीने की पढ़ाई कर लिया करते थे। Exam scene, roll number 16, roll number 17. और भाई मजे की बात तो ये होती थी कि ऐसा करने पर हमारे स्कूल में रोल नंबर 17 का ज्यादा मार्क्स आता था 16 से। अरे भाई भाई हिंदी टीचर तू आज स्कूल क्यों नहीं आया, आज तो टेस्ट था। सर आज मेरी तबीयत खराब थी। ठीक है कल आना, तेरा टेस्ट कल होगा। मेरी सहन शक्ति पर ये भाई था, इतना दबाव मत डाल मास्टर, टेस्ट कल होगा। ओ मौत का कारण। POV, the younger sibling helping in the kitchen be like, ठीक है ओके ओके, बहुत मीम देख लिया गाइस आज के लिए, चलो फिर। और एक और चीज आप बताना कि ये वीडियो के बाद आप ये वाली वीडियो देखे हो कि नहीं, मतलब ये वो वाली वीडियो में बताना।